मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स कच्चा छोटा सिलने को लेकर दर्जी के खिलाफ थाने पहुंच गया और केस दर्ज करा दिया। गच्छा पता नहीं कितने का होगा, बहुत बड़ा गच्छा था उसके पास, दुकान वालों के पास, उसमें मैंने कटाया था 2 मीटर। एक एक मीटर में चट्टी तो पर्याप्त तो हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन छोटी हो गई, छोटी कर दिया, बोला ये कपड़ा ही तुम्हारा इतना था, पूरा था 2 मीटर, छोटा कैसे हो गया, यही तो हम सोच रहे हैं कि छोटा कर दिया वो काट के कपड़ा। ये नाले के पास उसकी दुकान है, एक इधर फोटो की है, बीच में सिलाई की है और उधर चक्की की दुकान है। नाड़ा नहीं बनाया उस दिन, बोला नाड़ा चले जाओ दूसरी जगह बनवा लेना। ये कच्चा छोटा सिलाई आपने थाने में शिकायत करी, क्या मामला है? छोटा नहीं था इसमें, ये 2 मीटर का हम गच्छे लेके कपड़ा आए थे दुकान से, मतलब वो जो गच्छे से था तो 2 मीटर का कटाए थे दुकान वालों से। गच्छा पता नहीं कितने का होगा, बहुत बड़ा गच्छा था उसके पास, दुकान वालों के पास, उसमें मैंने कटाया था 2 मीटर। एक एक मीटर में चड्डी तो पर्याप्त हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन छोटी हो गई, छोटी कर दिया, बोला ये कपड़ा ही तुम्हारा इतना था। 2 मीटर में 2 कच्छे सिलवाए थे, 2 मीटर था ना ये, तो 2 चड्डी चाहिए, 2 बना दिया है ये, दोनों छोटी है, एक हजार की है, समस्या ये है। कपड़ा पूरा था, पूरा था 2 मीटर, छोटा कैसे हो गया, यही तो हम सोच रहे हैं कि छोटा कर दिया वो काट के कपड़ा। कहाँ सिलवाया था ये? ये 5 नंबर नाले में, ये नाले के पास उसकी दुकान है, एक इधर फोटो की है, बीच में सिलाई की है और उधर चक्की की दुकान है। अच्छा, कितने पैसे लिए उन्होंने? 70 रुपए वो दिया उसने, तुरंत लिया। नाड़ा नहीं बनाया उस दिन, बोला नाड़ा चले जाओ दूसरी जगह बनवा लेना। हाँ, जबकि नाला उसी 70 रुपए में बनाना चाहिए उसको। जब आपने कहा ये छोटा है भैया, खराब नहीं, उस दिन तो छोटा ही नहीं समझ पाए कि छोटा होगा, तो नाड़ा बनाने बनवाने के बाद इसको डाला, तो जब चेक किया तब समझ में आया कि छोटा है, टाइट हो रहा है यहाँ ये पूरा। फिर आपने शिकायत कहाँ करी? शिकायत थाने में की। कौन से थाने में? ये हबीबगंज। क्या बोली पुलिस? पुलिस वालों से जाके हमने बताया तो बोले कि साहब आएंगे, पीआई साहब आएंगे तो हम उनको ये आपका अर्जी दे देंगे। अच्छा, हाँ पहुँचा देंगे, साहब नहीं है, हम उनको दे देंगे।